नमस्ते दोस्तों, तो एक बार फिर से हो जाइए तैयार क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए लेकर गए हैं काफ़ी शानदार कार। और दोस्तों ये गाड़ी है टाटा की नैनो, और ऐसी वैसी गाड़ी नहीं है क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए नैनो में ईवी लेकर गए हैं। तो जिनको भी ईवी लेना था यार, बेशक आप इस गाड़ी को बाय कर सकते हैं। नंबर प्लेट भी आप देख सकते हैं, ग्रीन कलर का आपको नंबर प्लेट इस गाड़ी का दिख रहा होगा। और इतना ही नहीं, अगर आप दोस्तों कोई भी स्टेट से हो इस गाड़ी को बाय कर सकते हो। अगर आपके पास पुरानी नैनो है तो उसको किसी को सेल करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो उस नैनो को भी ईवी में कन्वर्ट करा सकते हैं। कैसे कन्वर्ट होगा, आप किससे कन्वर्ट करा सकते हैं, सारा कॉन्टैक्ट नंबर जो होता है ना, सब कुछ अभी मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको पता चलेगा। साथ ही साथ ऑनर का भी कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा जिससे आप इस गाड़ी को भी बाय कर सकते हैं, तो देख लीजिएगा। और रहा बात ऑनर का कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ दूंगा, तो दोस्तों वीडियो में मैं कहीं भी दे सकता हूँ, तो वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं कुछ डिटेल्स की। तो हेडलाइट्स मैं आपको बताऊँ तो हेडलाइट्स इस गाड़ी का आपको नॉर्मल जो हाइलोजन वाला आता है वही आपको देखने को मिलता है, कोई इसमें प्रोजेक्टर नहीं आता। लेकिन आप चाहें तो प्रोजेक्टर इसमें डलवा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लोकल वाला प्रोजेक्टर का मैं आपको प्राइस बता दूँ तो दोस्तों वही 700-800 के अंदर में आ जाता है। वहीं बात कर लीजिए ओरिजिनल वाली की, तो ओरिजिनल आपको 2500-3000 के आसपास लग जाता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ओरिजिनल लगवा रहे हो फिर लोकल लगवा रहे हो। साथ में नीचे में आपको फॉग लैंप लगाने का जगह दे दिया गया, लेकिन फॉग लैंप गाड़ी के अंदर लगा हुआ नहीं है। और मैं बताऊं टायर के बारे में, तो टायर कंडीशन भी आप देख सकते हो, लेकिन उससे पहले अंदर की देख लेते हैं, ठीक है, अंदर का थोड़ा। क्योंकि यार कोई भी गाड़ी लेता है तो चाहता है कि अंदर से गाड़ी मेरा एकदम टिकटॉक हो, जबरदस्त दिखता हो। तो अंदर में आप देख सकते हो, सबसे पहले विंडोज़ की बात कर ली जाए तो फ्रंट की जो दोनों विंडोज़ है और पीछे की जो दोनों विंडोज़ है, यानी कि चारों के चारों विंडोज़ आपको मैनुअल देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसमें आपको कोई पावर बटन का बटन देखने को नहीं मिलने वाला है। साथ ही में गाड़ी है ऑटोमेटिक, तो भाई इजी टू ड्राइव होने वाला, मतलब सीधा सीधा बताऊँ तो चलाने में आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। गाड़ी वैसे भी छोटी और ऑटोमेटिक है, तो अब कॉस क्लच का तो झंझट खत्म है इस गाड़ी के अंदर, तो बहुत आराम से आप चला सकते हो। और फ्रंट में आपको दो बड़े बड़े ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें दोस्तों थोड़ा बहुत नहीं, दुनिया भर के आपको स्पेस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आप आराम से कुछ भी सामान को रख सकते हैं। साथ ही में आपको दो आगे में स्पीकर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त आपको स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, नो डाउट काफ़ी अच्छा स्पीकर्स है। और दो स्पीकर्स जो ना, दो स्पीकर्स आपको पीछे में देखने को मिलने वाले इस गाड़ी के अंदर, तो स्पीकर के मामले में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्पीकर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों एसी की बात कर ली जाए तो फ्रंट में आपको 4 एसी वेंट्स इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे वर्किंग कंडीशन के आपको एसी देखने को मिल जाते हैं एसी में, नो डाउट। और हीटर का भी जो सिस्टम होता है ना, वो भी आपको एसी में देखने को मिल जाएगा। सो ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यार खाली एसी आपको मिलता है, हीटर भी आपको मिल जाएगा। तो एसी आप दोनों मज़े उठा सकते हैं, ठंडी हो या गर्मी दोनों में आप इस गाड़ी के भरपूर मज़े उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो कि आप लोग जानना चाह रहे हो वो ये है कि कितना किलोमीटर चल जाती है फुल चार्ज करने पर गाड़ी। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस गाड़ी को फुल चार्ज करते हैं तो 120 से 130 किलोमीटर बहुत आराम से चल जाती है 70-80 के स्पीड को लेकर के। अगर आप ओवर स्पीड जाओगे तो ऑफकोर्स यार किलोमीटर कम जाएगी, ठीक है, क्योंकि बैटरी से चल रही है गाड़ी। और बात की जाए स्टेयरिंग की, तो आपको पावर स्टेयरिंग इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है। और स्टेयरिंग पर कंट्रोल्स की अगर बात कर ली जाए तो जैसे क्रूज कंट्रोल हो गया, फिर मीडिया कंट्रोल्स, ये सब मिलता है या नहीं, तो देखिए दोस्तों ये सब तो आपको इसके ऊपर देखने को, मतलब इस गाड़ी के स्टेयरिंग के ऊपर आपको देखने को नहीं मिलता है। और कोई भी आप नैनो का टॉप एंड से टॉप एंड वेरियंट लेने चले, आपको ये फीचर जो देखने को गाड़ी के अंदर नहीं मिलता है। और गियर आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा ईजी ड्राइव हो जाता है। और गियर के जस्ट नीचे आपको क्रोम की फिनिशिंग मिल जाती है, और गियर काफ़ी ईजी है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। ड्राइव मोड और जो होता है रिवर्स, वही आपको जो दो बटन मिलता है वो, और ऐसे मैनुअल भी आप गियर शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन मैनुअल उतना कुछ खास अच्छा नहीं है। तो आप चलाएँ तो गियर ऑटोमेटिक पे ही करके चलाएं, काफ़ी ईजी होगा। और एसी कंट्रोल्स की बात कर ली जाए तो एसी कंट्रोल्स आपको इसका मैनुअली देखने को मिलता है, कोई आपको इसके अंदर एसी ऑटोमेटिक वाला देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और ओवरऑल गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बात कर लीजिए म्यूजिक सिस्टम की, तो म्यूजिक सिस्टम गाड़ी के अंदर लगी हुई है, जो कि डिस्प्ले वाली लगी है। नीचे में आपको 7 इंच का TFT टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसमें आप वीडियो के भी मज़े उठा सकते हैं और म्यूजिक के तो मज़े आप उठाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों कुछ स्विच है जो कि आपको गियर बॉक्स के जस्ट नीचे दिया गया है, और हर एक गाड़ी की तरह नॉर्मल जो हैंड ब्रेक आता है वो आपको पीछे में साइड में दिया गया है। और पीछे से कुछ इस टाइप का आपको गाड़ी का लुक देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी शानदार लगती है, काफ़ी ज़बरदस्त गाड़ी है। और काफ़ी बड़ा आपको बूट स्पेस भी इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसमें CNG तो है नहीं कि बूट में CNG किट रखा होगा, तो बूट स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा आपको बड़ा देखने को मिल जाता है। और पीछे से आप इसका बूट भी ओपन कर सकते हैं। TS नंबर गाड़ी है, तो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ गाड़ी का जो NOC है वो अवेलेबल करा दी गई है। सो लेने को लेकर के कोई दिक्कत होने वाली बात आपको नहीं है, आप कोई भी स्टेट से इस गाड़ी को बहुत ही आराम से बाय कर सकते हो। सो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा कि TS नंबर
नंबर गाड़ी है, हम दूसरे स्टेट में रहते हैं, तो भाई कैसे इस गाड़ी को बाई कर सकते हैं। और बात कर लीजिए पीछे में वाइपर की, तो पीछे में आपको कोई वाइपर देखने को नहीं मिलता, एक सिंपल सा स्टॉप लाइट और आपको जो टेन लाइट होता है वो देखने को मिलता है। अब टेन लाइट में LEDs लाइट मिलता है यानी वो बता दूँ, तो दोस्तों टेन लाइट में आपको LED लाइट देखने को नहीं मिलता है। और इंजन की बात कर ली जाए तो गाड़ी का इंजन आपको पीछे में ही देखने को मिलता है, बेशक EV है लेकिन EV में भी इंजन की ज़रूरत पड़ती है और इंजन गाड़ी के अंदर पीछे लगा हुआ है, सो इंजन भी काफ़ी अच्छा। और टायर कंडीशन की बात कर ली जाए तो दोस्तों टायर कंडीशन आपको 70-80% के आसपास अभी देखने को मिल जाता है, मतलब 70-80% टायर कंडीशन बताऊँ तो अभी बची हुई है, टायर की लाइफ अभी इतनी बची हुई है, तो आप यार आराम से रगड़ के गाड़ी को चला सकते हो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, चलाने के मामले में कोई आपको दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी इस गाड़ी को लेने के बाद। साथ ही व्हील कैप की बात कर ली जाए तो देखिए दोस्तों अभी के टाइम में LOS ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, जो लोग हैं ना सब लोग चाह रहे हैं कि मेरी गाड़ी में LOS हो, वैसे इस गाड़ी के अंदर तो व्हील कैप्स लगे हुए हैं जो कि प्लास्टिक है और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त आपको प्लास्टिक के देखने को मिलने वाला है, टूटने वाले बात नहीं है इसके व्हील्स कैप्स, ठीक है। तो बात कर लेते हैं व्हील, अगर आप लगवाना चाहते हैं LOS तो आप लगवा सकते हैं, बेशक एक तो ब्रांड न्यू डलवाइएगा, दूसरा 12 इंच इसका टायर साइज है, सो 12 इंच इसका ही डलवाएं, उसको ऊपर का डलवाएंगे तो फिर आप दिक्कत में आ सकते हैं, मतलब सस्पेंशन का काम आपको कराना पड़ सकता है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये रही दोस्तों दूसरी जनरेशन, मतलब ये भी आप खरीद सकते हो चाहो तो नैनो का, और वो भी जो आपने अभी देखा वाइट कलर वाइट बम्पर वाला वो भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बात कर लीजिए चार्जिंग की, चार्जिंग कैसे होती है गाड़ी, तो आप सामने में देख सकते हो चार्जिंग कुछ इस टाइप से गाड़ी का होता है। अब आप घर पे चाहें तो घर पे भी चार्ज लगा सकते हो, आपके ऊपर वो डिपेंड करता है। आपको फ्रंट में जहाँ पे हर गाड़ी का इंजन होता है वहाँ पे आपको इसका चार्जिंग लगाने का जगह मिल जाता है, सिंपल सा एक स्टेपनी रखने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, साथ में चार्जिंग सॉकेट जो है आपको आगे में देखने को मिल जाता है। और ये फीचर्स मुझे थोड़ा सा दोस्तों ख़राब लगा था इस गाड़ी का, वो इसलिए क्योंकि अगर आप इस गाड़ी को चार्ज करना चाहते हो जब भी, तो आपको गाड़ी का जो बोनट है ना वो ओपन करना पड़ेगा, और पेट्रोल में भी सेम यही सीन था और बैटरी वाले में भी सेम यही सीन दे दिया गया, तो ये थोड़ा गड़बड़ किया गया, साइड में देना चाहिए था बट साइड में नहीं दिया गया। अब इसमें दिक्कत ये होगा ना कि सपोज़ आप अपने घर पर गाड़ी को चार्जिंग में लगा रहे हो तो आपको गाड़ी का बोनट ओपन करके लगाना पड़ेगा, अगर आप सिटी में रहते हो मतलब मोहल्ले में कहीं रहते हो, आप गाड़ी बाहर कहीं खड़ा करते हो, ठीक है, तो आप चार्जिंग सॉकेट खोल के लगाओगे और गाड़ी के पास तो एनी टाइम बैठे नहीं होगे, तो कोई बच्चा या फिर कोई भी अगर चार्जिंग सॉकेट घींच वेच दिया ना तो आपका मोटा खर्चा लगने वाला है, तो ये थोड़ा गड़बड़ वाला बात है। और प्लस आगे में ये स्टेपनी है सब भी है, तो आपको चार्जिंग लगाते टाइम आपको उस गाड़ी के पास ही खड़ा रहना पड़ेगा, अगर नहीं रहते तो आपका गाड़ी में से कुछ भी चोरी वोरी होने का भी डर है। तो खैर वो आप देख लीजिएगा क्या आपको लगता है कि यार गाड़ी सही है, चार्जिंग वार्जिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा तभी आप लीजिएगा। और वही बात कर लीजिए लेगरूम की और हेडरूम की, कितना ज़्यादा आपको मिल जाता है, तो लेगरूम हेडरूम काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको इस गाड़ी का दोस्तों देखने को मिल जाता है, नो डाउट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको इस गाड़ी का लेगरूम हेडरूम मिल जाता है। सो लेगरूम हेडरूम के बारे में आपको सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, जैसे कि बहुत लोग का माइंड में डाउट होता है कि यार गाड़ी काफ़ी छोटी है तो पता नहीं कितना स्पेस मिलेगा, लेगरूम हेडरूम कितना होगा, तो वो सबसे आपको दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको स्पेस इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है। तो बात कर लीजिए और डिटेल्स की, तो टाटा नैनो 2019 मॉडल आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी, किलोमीटर की बात कर लीजिए तो सिर्फ़ और सिर्फ 100 किलोमीटर चली है, जी हाँ दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर चली है, बहुत ही ज़्यादा कम गाड़ी चली है, नो डाउट बहुत ही ज़्यादा कम, क्योंकि ब्रांड न्यू गाड़ी बन रही है और सेल हो रही है, सो आप ले सकते हो इस गाड़ी को। ऑटोमेटिक गियर, फर्स्ट ऑनर गाड़ी, लोकेशन बताऊँ तो दिल्ली की है। चलिए बात कर लेते हैं प्राइसिंग का, क्या होने वाला गाड़ी का प्राइस, तो दोस्तों गाड़ी का प्राइस है 3,95,000 रुपये, जो कि प्राइस नेगोशिएबल है, प्राइस बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, सो प्राइस कम हो जाएगी, डोंट वरी। बात कर लीजिए कॉन्टैक्ट नंबर की, कहाँ मिलेगी ऑनर की कॉन्टैक्ट नंबर, तो दोस्तों ऑनर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है आपको डिस्प्ले पे देखने को मिल जाएगा, तो नंबर पे आप कॉल करके गाड़ी को बाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास पुरानी नैनो है उसको भी कन्वर्ट कराना चाहते हैं EV में, तो कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उसके बारे में भी आप डिटेल ले लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो बस इतना ही, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हम मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ।